हाय फ्रेंड, मैं हूँ तलत और आप देख रहे हैं तलत फूड। आज मैं जा रही हूँ पटना के घूमर रेस्टोरेंट। एंड अगर आप कभी राजस्थान नहीं गए हैं तो और राजस्थानी थाली नहीं चीखा है तो आप पटना शहर के इस घूमर रेस्टोरेंट में जरूर जाएं। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप पटना में हो। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है। क्या है कि आपको लगेगा कि आप बिल्कुल राजस्थान के किसी होटल में खाना खा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अनुभव, इस होटल का कैसा टेस्ट है और मेरा फर्स्ट टाइम है इस होटल में, तो चले चलते हैं। सारे थाल हैं, देखे इसमें क्या क्या सर्व होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें हाथ धुलवाया जाता है। यहाँ पर खाना खाने के लिए हमें 495 में ये थाली पूरी कंप्लीट मिल जाती है और कभी कभी डिस्काउंट भी रहते हैं। अनलिमिटेड खाना यहाँ मिलते हैं, आप जितना भी खाओ। मेरी थाली भी अब लग रही है। तो सबसे पहले हमें छाछ मिले हैं और यहाँ देखें बहुत सारे आइटम हैं, गट्टे की सब्ज़ी, जोधपुरी गट्टे जी, मतलब बहुत बहुत सारे आइटम थे, मुझे इतना नाम भी याद नहीं है। टेस्ट कैसा है जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, ये आपको रिव्यू ज़रूर दूँगी। स्पेशली यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा था दाल बाटी चूरमा, फोन का हलवा, गट्टे की सब्जी और छाछ। दही बड़े तो इतने पसंद आए मुझे कि मैंने दोबारा मंगवाया। तो फ्रेंड, आप पटना के हो या पटना के बाहर के हो, पटना आप जब भी आएँ तो इस घूमर रेस्टोरेंट में ज़रूर आएँ। यहाँ का खाना, यहाँ का जो हमें स्वागत जो किया जाता है इस पगड़ी के साथ, एक अलग ही माहौल लगता है यहाँ।
तो आप इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आए। बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, बिल्कुल राजस्थान में लगते हैं कि हम पहुंच गए हैं। और यहाँ के ये जो बंजारे लोग जो गाना गाते हैं वो और भी इस रेस्टोरेंट का माहौल बिल्कुल चेंज कर देता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड आप इसे इंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Allah